श्री राम। माता त्रिजटा, प्रभु के अपन परिचय दिला के बाद भी दुष्ट रावण को समझे खातिर तैयार नहीं किए। हाँ सीते, सुबेलु पर्वत से प्रभु श्री राम के अद्भुत बाण लंकेश के मुकुट गिरा के वापस प्रभु श्री राम के तरकश में चल गई। ना तो पृथ्वी कापल, ना तो हवा चलल, ना कोनो अस्त्र शस्त्र के हु देखलस। उहे मुकुट की तरह वो दुष्ट रावण के दसों के दसों सिर और ओकर सब सेनानी सबके सिर के भी दशा होगी। रघुनंदनी संकेत भेज ले बाड़े, परंतु वो अज्ञानी ना समझ बन के दरबार में बैठ के युद्ध के दाव पेच पे चर्चा कर रहल बा। राम और ओकर सेना के उनकर मृत्यु यहाँ लंका तक खींच के ले आयल बा पिताश्री। रउआ आज्ञा दी, रात्रि के अंधेरा में हम स्वयं उनकर शिविर पे धावा बोल के उस सबके ढेर कर देता। नहीं युवराज, रउआ ठीक कर रहल बानी, ऐसने करे के चाही। परंतु परंतु क्या, पहले हमरा के उनका शिविर में जाके उनकर व्यू रचना देख के आवे के दी युवराज। यह तो हो सकेला युवराज कि वो ये सोच ले हो खस कि हमने लोग पे रात के अंधेरा में आक्रमण करब, और जैसे ही हमने वो लोग पे आक्रमण करब वो लोग के सैनिक हमने के चारों तरफ से घेर लेस। राव और काका श्री विभीषण वो लोग के साथे बाड़े, ये हमने के कतई ना भुलाए के चाहिए, और वो हमने के युद्ध पद्धति से अपरिचित नहीं कर, वो अवश्य सबके सावधान कर देले होखी हैं। शुक ठीक कह रहा बा इंद्र जी, एक बार अंदर घुस के राम के व्यूह के रचना के जानकारी ले लेबे के चाहिए। परंतु शुक, अब की बार तू अकेले ना जाइबा। हम सारण के अपना साथे ले जाइब महाराज। और हां शुक, और कुल द्रोही विभीषण से बांच के रही हा, कहे कि असुर ही असुर के मायावी शक्ति के पहचान सकेला। जौन आ गया लंकेश, विजयी भवा। यहाँ शिविर ना पूरा के पूरा व्यू रचना बा, हम नहीं चाहे कोनो ओर से आक्रमण करी पूरा छावनी के घेरिए नहीं खी सकत। शुक और सारण, विभीषण के दृष्टि से तू लोग बच ना सकेला, आपन असली रूप में आवा। प्रभु श्री राम के जय होके। पधारी मित्र, आपन आसन ग्रहण करी। इदुनु के हवे ईशुक है और वो सारण, ई दोनों रावण के प्रमुख गुप्तचर हवे। कुछ दिन पहले ईशुक रावण के मित्रता के संदेश लेके महाराज सुग्रीव के पास आयल रहे। इका कहता नहीं वानर राज? जौन मित्रता के द्वारा महाराज सुग्रीव और रवा बीच में फूट पड़ सकत रहे, सत्य में वो मित्र दोह के निमंत्रण रहे, जेकरा के महाराज सुग्रीव ठुकरा के रावण से शत्रुता के स्वागत कैले। रघुनंदन, महाराज सुग्रीव जैसन मित्र लोग से ही मित्रता पर गर्व कैल जाला।
रउआ कोनो संदेश लेके आयल बानी? संदेश ना प्रभु, ई हमनी के छावनी में हमनी के भेद लेवे आयल रहन। हमनी के सेना के कौन सा ऐसा निर्बल और सबल बा केवल ई जाने खातिर आयल रहन। ई लोग के दंड भी हुए देवे के चाही जौन दंड गुप्तचर के दिहल जाला, मृत्यु दंड। पहला बार जब ई दूत बन के आयल रहे तब राजनीति के अनुसार हम एकरा के मृत्यु दंड ना दे सके नी, परंतु अब एकरा के मृत्यु दंड देल रणनीति के अनुसार उचित होगी। ई दोनों के मुक्त कर दा मित्र। जैसन राव राज्ञा प्रभु। गुप्तचर सब के इतना छोड़ल रण में पराजय के कारण भी बन सकेला भैया। विजय और पराजय यदि गुप्तचर सबके जीवन और मृत्यु पर निर्भर होके लक्ष्मण, तो शूरवीरता और रण कौशलता व्यर्थ बा। यदि सब भेद तू जान ले ले बाड़ा तापन राजा के बता दा, और यदि कुछ देखे बाकी रह गई बा तो वो भी निर्भय होके देख सकेला। महाराज विभीषण तारा सब दिखा देंगे। ऐसे अनुदार शत्रु हम आज तक नहीं की देख ले प्रभु। हम कौनो प्राणी के शत्रु नहीं की। शत्रु पे दया करे वाला शत्रुता के ना पूजा के योग्य बा। और ये ज्ञान दशानन के दे सका तो एक दिन लंका के उद्धार हो जाए। जा और जाके रावण के, हमनी के सेना, हमनी के शक्ति के सब भेद बतावे के साथ साथ ई चुनौती भी ओकरा सुना दिया कि जौना बल के भरोसे उस सीता के हरण कैले बा उ बल हम युद्ध में देखे चाहत बानी, और साथ ही साथ रावण की तपस्वी राम के ललकार भी सुना दिया कि राम केवल अपन पत्नी सीता खातिर ना, सारा संसार के नारी के सम्मान के सुरक्षा के आदर स्थापित करे खातिर एगो धर्म युद्ध कर रहल बा, जेकरा से भविष्य में कौनो भी शक्तिशाली राजा नारी के साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। रघुनंदन, आपन शत्रु पे दया और करुणा दिखा के रउआ एगो नया आदर्श स्थापित कैले बानी। रघुनंदन रउआ धन्य बानी प्रभु। बड़ा चतुर बन के गैल रहा उकनी के भेद लेबे काले के आइला राम के दया पकड़ल गैल रहा था प्राण दे देता कायर कहीं के। हमने के कायर मत समझी महाराज। शत्रु के गुप्तचर के पकड़ा गैला के बाद आज तक केहू ओकरा के जीवित नहीं के छोड़े महाराज। एता श्री राम के उदारता रहे महाराज। मत कहो ओकरा के श्री, हमार कान के शत्रु सब के प्रशंसा ना भावेला। जौन प्रकार तू शत्रु सब के गुणगान कर रहल बाड़ा, कहीं विभीषण के तरह तू हूं राजद्रोही तो नैखा हो गईल। हमनी पे ऐसा लांछन मत लगाई महाराज। हमनी के राजभक्ति पे संदेह मत करी। यदि रउआ आदेश दी तो हमनी अपन सर कटा सकेले महाराज। हम तू लोग के क्षमा कैनी। अब जौन जौन भेद लेके आयल बाड़ा हमरा के बतावा बतावा कि कौन बानर में कितना शक्ति बा, कौन 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 मायावी युद्ध में हमार सामना कर सकेला। महाराज उस सेना के साधारण से साधारण वानर भी अद्भुत साहसी बा, एक से एक शौर्यशाली, एक से एक पराक्रमी, एक से एक बल। बंद करो उलो के प्रशंसा कैल। हम स्वयं त्रिकुट पर्वत जाके देखब तू एक एक के बारे में हमरा के बतैबा। चला। माता त्रिजटा सुननी हा, दुष्ट रावण की गुप्तचर सुख और सहारण लौट आयल बाड़े। शत्रु के गुप्तचर के सुरक्षित लौट आवे के अर्थ ही बा माता त्रिजटा कि प्रभु की सेना में क्यों सतर्क ना रहे। ना सीता, उहां सब सतर्क बाड़े, एही से ता शुक और सारन दोनों पकड़ा गेल रहन। पकड़ा गेल रहन, बाकी वापस कैसे ही ले। कृपा निधान के कृपा से
अर्थात रघुनंदन ओ लोक पे कृपा कइले और दोनों के जीवन दान देके वापस भेज देले ताकि लंकेश के संदेश दे सकस। का संदेश माता त्रिजटा? ई युद्ध केवल अपन पत्नी खातिर ना, संसार के हर नारी के सम्मान के सुरक्षा के आदर्श स्थापित करे खातिर लड़ल जाई। माता त्रिजटा, कितना अंतर है रघुनंदन में और दुष्ट पापी रावण में। रघुनंदन पग पग पर नारी के सम्मान करे ले और दुष्ट पापी रावण पग पग पर नारी के अपमानित करेला। रघुनंदन के शरण में जाके ओकरा अपन उद्धार कर लेवे के चाही, परंतु माता त्रिजटा ई राक्षसी सब कहत रही कि ओ दुष्ट पापी रावण प्रभु के शिविर के निरीक्षण करे खातिर त्रिकुट पर्वत पर गएल बा। मूर्ख कहीं के। देखी महाराज, जहां तक दृष्टि जाता सुबेल पर्वत पे, ओकर घाटी में, वन प्रदेश में, हर जगह वानर सेना बा। ऐसा ना पार सेना पहले कभी देखे के नहीं के मिलल महाराज। ये सब हमरा कीड़ा मकोड़ा के तरह दिखाई दे रहल बाड़न सा। दस दस सहस्त्र एक साथ हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरी हैं सा। हमरा इस सब के परिचय दा। सैन्य संचालन में निपुण कौन है? कौन बलशाली, शक्तिशाली, समर्थशाली है? ओ मुटका पोंछ वाला मरकट के ता पहचानते होकर महाराज, जोन पेड़ उखाड़ के ले ले जा रहल बा। ये वे हनुमान है महाराज, जोन विशाल समुद्र लांग के लंका में आयल रहे। हनुमान? हाँ त्रिलोक विजयी। और ऊ देखी महाराज, ओ जाऊन अकड़ के चलत बा, ऊ कौन हा? ऊ बांका बानर युवराज अंगद हा। ऊ इंद्र के वज्र के भी तूर सकेला। ऊ वानर राज बाली के पुत्र हा। बाली के पुत्र? ओकरा साथे ऊ दुगो बानर कौन हवे सर? ओ नल और नील हवे महाराज। नल और नील? सागर पे सेतु बांधे के कार्य इहे दोनों कैले हा। और ओ रिच कौन हा? लंकेश्वर ये सबसे वृद्ध और बुद्धिमान है। देवासुर संग्राम में ये देवराज इंद्र के सहायता कर ले रहे। का नाम है एकर? जामवंत। जामवंत? एकर प्रेरणा से ही हनुमान 400 कोस के समुद्र लांग के लंका पहुंचल रहे। तब तो हमार हनुमान से बड़ बैरी इहे हा। सबसे पहले एकरे के समाप्त करा। और ऊ देखी महाराज, वानर राज सुग्रीव, वानर राज बाली के छोट भाई, इनका में 60,000 हाथी के बल बा महाराज। धर्म के मर्यादा बा इनका में महाराज। और वो देखी महाराज,
पहले श्री राम। सारण। क्षमा महाराज। श्री राम। राम राम तुच्छ राम। इस सब हमरा कीड़ा मकोड़ा के तरह दिखाई दे रहल बाड़े सब। दस दस सहस्त्र एक साथ हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरी है सब। राम और लक्ष्मण के साथ ही कुल द्रोही विभीषण माथा पर राज्य अभिषेक के तिलक लगा के आइल बा। उनका हमार भेद बताई। अरे कुल द्रोही, हम भेदी सबके भेदन करे में बहुते निपुण हैं। शुक और सारण ई लंका पर आक्रमण करे आइल बाड़े सर। लंका के द्वार तक पहुंचे से पहले इस सब के शव वहां पड़ल मिली। ई मूर्ख सभी नैखन जानत कि लंका पति रावण स्वयं काल है। रावण। जय श्री राम।